हेलो। हरकेश। चल भाई, बस बस भाई ठीक ठाक। तू बता कैसा है। मजा में भाई। अरे बता भाई। तो ओन पैसी में क्या चल रहा है भाई? कुछ समाधान हुआ कि नहीं हुआ? समाधान रिंकू ऑन पैसिव का समाधान ये है भाई। कल एक वेबिनार हुआ था, ठीक अच्छा है। तो उसमें मिस्टर शोफारे आए थे उस वेबिनार में, ठीक है। तो अच्छा उस वेबिनार काफी लंबा वेबिनार चला, काफी कुछ चीजों के बारे में वहां पे डिस्कस हुआ, ठीक है। मेन मुद्दे की बात ये निकल के आई है कि अभी ऑन पैसिव ने बोला है कि 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना चीजों को, 1 महीने में सब कुछ बदल जाएगा, अच्छा ठीक है। तो सब कुछ बदलने का मतलब तो तुझे पता ही है क्या होता है, या हाँ, मुझे। सब कुछ वही है, बस विड्रॉल ट्रैफिक। हाँ रिंकू, 1 महीने का समय मांगा है ऑन पैसिव ने कि 1 महीने में सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, समथिंग गुड इज कमिंग, ठीक है। उसके लिए अच्छा एक बात और बोली है कि रिंकू, कि अपने को थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। वेल ऑब्वियस जी तू और मैं तो 100% पॉजिटिव है यार, ठीक है। हाँ एक मतलब ऑन पैसिव को लेकर आपका जो मानस है, जो आपका मन है, वो 100% पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मतलब माइंड में कहीं से भी नेगेटिविटी नहीं नजर आनी चाहिए कि हाँ ऑन पैसिव ऐसा कुछ गलत भी गलत तो नहीं कर देगा हमारे साथ, ये वो, ये तमाम तरीके की बातें, ठीक है। तो यही है रिंकू, कल के वेबिनार में घुमा फिरा के एक ही बात हुई है कि सब कुछ 1 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लियर। मतलब और 1 महीने में चांस है मिलने के? हाँ पॉसिबिलिटी बनती नजर आ रही है कि रिंकू, ये जो अप्रैल के कितने दिन बचे हैं, 10-11 दिन तो अप्रैल के बचे हैं, 8-10 दिन तो। और इसके हाँ अलावा मई का आधा महीना मान ले तू, ठीक है, मतलब ठीक 20 है मई तक के पॉसिबिलिटीज बन रही है कि 20 मई तक ऑन पैसिव में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संभव हो पाएंगी, ठीक है। और फर्स्ट जी। प्रायोरिटी पे जिसको रखा जाएगा वो रखा जाएगा पे आउट, ठीक है। जो लोगों के अच्छा जो पेंडिंग विड्रोल्स जो अटके पड़े हैं उस पर कहीं ना कहीं ऑन पैसिव विचार कर सकती है 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। बाकी इसके अलावा भाई एक्सटेंशन को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है, हालांकि कंपनी ने पहले बोल दिया था कि 21 अप्रैल मतलब पॉसिबिलिटी है कि हमारा लास्ट एक्सटेंशन होगा। उसके बाद भी कंपनी ने 10 दिन का एक्सटेंशन किया, बट एक्सटेंशन को लेकर अभी फिलहाल कोई भी बातें वापस से नहीं हो रही है, क्लियर। और जी रिंकू, एक इनका अफ्रीकन वेबिनार होने वाला है, ठीक है। ठीक अफ्रीकन वेबिनार होगा 25 तारीख को। तो उसमें क्या है, मिस्टर ऐश उफारे उस वेबिनार में आ रहे हैं, ठीक है। और उस अच्छा वेबिनार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है उस वेबिनार को, ठीक है। उसमें मिस्टर ऐश उफारे तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा काफी अपने इंडियन लीडर्स भी उस वेबिनार को अटेंड करने वाले हैं। अच्छा ये ऑन परसों जो 25 आ रही जो, अच्छा हाँ बिल्कुल, इसी 25 को, परसों अच्छा थर्सडे है ना उस दिन, जी हाँ थर्सडे को, ये अफ्रीकन वेबिनार होने वाला है। इसमें इंडियन लीडर्स भी आएंगे, मिस्टर ऐश उफारे भी आएंगे, और ग्लोबल जितने भी लीडर हैं ऑन पैसिव के वो कहीं ना कहीं इस वेबिनार को अटेंड करेंगे। उस वेबिनार के जरिए रिंकू कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट शायद अपन जैसे एफिलिएटर्स को सुनने को मिल सकती है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है यदि देख मिस्टर ऐश उफारे आएंगे तो वेल ऑब्वियस कोई ना कोई बड़ी अपडेट तो आएगी ही आएगी। वैसे जी। सारी बातें ये है कि जिन लोगों का पेंडिंग विड्रोल अटका पड़ा है उनको टेंशन लेने की, उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव की गारंटी है कि कहीं ना कहीं वो उनके पेंडिंग विड्रोल्स है वो उनको डिलीवर करेगा, उनके बैंक खाते में पेंडिंग विड्रोल देगा, क्लियर। ओके और इसके अलावा इनको एक बात हो रहा है, देखिए ऑन पैसिव से रिलेटेड ये बात मैंने तेरे को पहले भी बताई थी, ऑन पैसिव से रिलेटेड जो भी बड़ी अपडेट आती है मेरे भाई, जो कुछ भी अपडेट आती है ऑन पैसिव की, तो सिर्फ और सिर्फ तुझे मिस्टर ऐश वफारे पे बिलीव करना है, ठीक है। हाँ किसी हाँ पे भी बिलीव नहीं करना है कि कौन बंदा क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा, कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो तेरे को जेन्युइन ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी वो मिस्टर ऐश वफारे के जरिए ही मिलेगी, ठीक है ठीक है, ब्रदर। बस और बता क्या पूछ रहा था। ये था, अगर 1 महीने का टाइम और दे दिया तो फिर मतलब 1 महीने के अंदर शायद हो जाना चाहिए विड्रॉल का, ट्रैफिक का जो भी है। हाँ इनको ये टाइम नहीं दिया 1 महीने का, 1 महीने के अंदर बोला है। जैसे अपन किसी चीज के लिए नहीं बोलते कि यार 1 महीने में शायद ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से ऑन पैसिव ने बोला है कि 1 महीने में, ठीक है, 1 महीने से पहले पहले सब कुछ क्लियर होने की पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। और फर्स्ट फ्राइडे पे जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा मेरे भाई पेंडिंग विड्रॉल्स को लेकर, ठीक हाँ है। पेंडिंग है, पहले तो पेंडिंग है वही देंगे। हाँ जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं, जिन लोगों का पेंडिंग विड्रॉल अटका पड़ा है, 315 करोड़ का विड्रॉल है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को डिलीवर किया जाएगा मेरे भाई।
ठीक है, और और उसमें विड्रॉल देने के बाद तो फिर तो चांस है ट्रैफिक के। हाँ हाँ विड्रोल देने के बाद तो रिंकू ट्रैफिक के चांस पूरे पूरे बनते नजर आएंगे ना मेरे भाई। देख ट्रैफिक के लिए सर रिंकू ट्रैफिक का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा लंबा है मेरे भाई। विड्रोल का प्रोसेस है ना बहुत ही छोटा प्रोसेस है। विड्रोल में क्या था, कंपनी ने विड्रोल लगवाए, आपको वेरीफाई करेगा, वो वेरीफाई के जरिए और कहीं ना कहीं आपको विड्रोल दे देगा, ठीक है, ऑन पैसिव। बट जब ट्रैफिक देने की बारी आएगी ना रिंकू, जब ऑटोमेटिक ट्रैफिक की देने की बारी आएगी, तो भाई उससे पहले बहुत सारा लंबा प्रोसेस है जिसके जरिए गुजरना पड़ेगा मेरे भाई। देख सबसे पहले तो अपने आप को वेरीफाई करेगा, ठीक है, हाँ वेरीफाई करने के बाद तेरा ओ डोमेन आएगा, तेरी वेबसाइट बनेगी, ठीक है, उस वेबसाइट और ओ डोमेन के जरिए तेरे को ट्रैफिक रिसीव होगा, ठीक है, उस ट्रैफिक को तू ओ ट्रैकर पे जाके ट्रैक करेगा, उसमें तेरे को पता लगेगा कितना पेड ट्रैफिक है, कितना नॉट पेड ट्रैफिक है, कौन सा ट्रैफिक कौन सी कंट्री से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से मेरे को जनरेट हो रहा है, कौन से स्टेट से मेरे को जनरेट हो रहा है, तो सारी की सारी अच्छा डिटेल्स तू वहां पे देख पाएगा। मतलब ओ डोमेन आएगा, वेबसाइट आएगी, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं देखो ट्रैफिक के दर्शन होंगे मेरे भाई, ठीक है। बाकी ठीक यदि ट्रैफिक की बात करते हैं तो रिंकू ऑनपैसिव के पास एक सफिशियंट ट्रैफिक है, जैसा ऑनपैसिव ने बोला है कि हमारा होल्डिंग टैंक है जो भर भर के जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर इतना ट्रैफिक ऑलरेडी आ चुका है, तो लेट्स सी देखते हैं मेरे भाई। और अभी इसके ओकनेट का जो ये चल रहा है, जैसे ही अपना एक्सटेंशन रुकेगा रिंकू, तो इसके नए पैकेजेस आ जाएंगे और डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन भी चालू हो जाएंगे, जिससे तो ओकनेट के पैकेज को कोई भी बंदा, कोई नया यूजर यदि ऑनपैसिव के ओकनेट के पैकेज को परचेज करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये है कि रिंकू जो 360 वेबिनार होगा, ठीक है, वो अब की बार जी। उसको पोस्टपोन्ड कर दिया कि अब की बार वो 360 वेबिनार नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जो जो कल परसों हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, 360 वेबिनार को कैंसिल कर दिया कि 360 वेबिनार नहीं होगा। वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि अफ्रीकन वेबिनार हो रहा है, ठीक है, अच्छा अफ्रीकन अच्छा वेबिनार में जितने भी ग्लोबल, जितने भी ऑनपैसिव से जुड़े जितने भी लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अफ्रीकन वेबिनार को अटेंड करने वाले हैं, और उसमें मिस्टर ऐश वफारे भी आने वाले हैं, तो इस वजह से 360 वेबिनार को कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो रिंकू पता है अब क्या लग रहा है रिंकू, अब ये लग रहा है कि देख आज से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 10 महीने पहले या 5 साल पहले जो बातें थी ना, अभी यदि तू करंट की बातें देखेगा ना तो रिंकू तुझे, मतलब जैसा मेरा दिल कहता है तुझे भी ऐसा लगता होगा कि अब ज्यादा दिन नहीं है सफलता मिलने में। मानता है नहीं मानता, जी, तुझे क्या लगता है? दे देना चाहिए यार। तो जैसे जो बता रहे भाई, मई ये लास्ट मई है अभी, ये तो हाँ इसमें 1 महीने के अंदर अंदर दे देना चाहिए। हाँ हाँ रिंकू वही है, देखे अब जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, यदि मैं 23 अप्रैल की बात करता हूँ रिंकू, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब है ना ज्यादा दिन की बात नहीं है, अब मतलब अंदर से ऐसा लग रहा है कि हाँ बस अब 10-15 दिन में लोगों के जो पेंडिंग विड्रोल्स है वो कहीं ना कहीं आने वाले हैं, और उसके बाद जो प्रोसेस होगा ना बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा, क्योंकि ऑनपैसिव ने बोला है कि हमारे पास सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब खाना बन के रेडी है, बस उस खाना को परोसना है और खाना है, बस सब कुछ रेडी है। तो कहीं ना कहीं इनको वेट करके देखते हैं ब्रदर, थोड़ा सा और वेट करते हैं, और अफ्रीकन वेबिनार से जो भी बड़ी अपडेट आती है मेरी बताने की कोशिश रहेगी भाई, चलो ठीक है ब्रदर, ठीक ठीक है भाई, ओके। ओके।